के कमरे में गया भाई एक दिन, हाँ इतनी थोड़ी बदबू आ रही, इतनी थोड़ी बदबू ना, मतलब रूम देखो, ये रूम है, ये शायद सिंगल बंदे का रूम है। हाँ हाँ सिंगल बंदे का रूम है ये, इसको खोल के दिखा देते हैं। जा ना घर, कहाँ जाओ, कौन है, कौन है? गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? अब मैं पहुंच चुका हूं गोरंडा में, आप देख सकते हो पीछे तरफ। एक मिनट रुक जाओ, दिखाता हूं यार, पेड़ अट गया पीछे, पेड़ देख सकते हो उस तरफ। हम पहुंच चुके हैं गोरंडा टोल के पास, अभी थोड़ी देर में यहां पे मेरी बस आने वाली है कॉलेज की, तो उसमें बैठ के चलेंगे कॉलेज की तरफ। लेट्स गो। तो चलो चलते हैं नीचे की तरफ। तो अभी मैं आया हुआ था ऊपर, 15 मिनट हो गई आया कि बैठे, देखते हैं कब तक आएगी बस। तब तक आप ये देख लो कि यहाँ से दिल्ली, देखो दिल्ली यहाँ से 111 किलोमीटर, और मुरिथल 79 और मुरिथल है 65। तो यहाँ से आएगी अपनी बस, इस वो रही हमारी बस, देखो आप देख सकते हो। गाइज मैं बैठ चुका हूँ बस के अंदर, और अब जो हम जा रहे हैं कॉलेज की तरफ। यार आज तो टेस्ट है, तो थोड़ी बहुत तैयारी तो करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं पता नहीं क्या होगा मेरा। चलो गाइज ये बताओ हाइपोथायरायडिज्म क्या होता है? जो भी मेडिकल का हो उसको तो पता ही होगा। गाइज मुझे तो लग रहा है यहाँ पे शायद शादी है किसी की, तो मैं जाता हूँ बारात में। क्या हाथ हाथ ही तो पकड़ा है? उससे पहले कहाँ पकड़ा था? अरे तू चल रहा, चल खड़ा हो, ठीक है मैं तब जाऊंगा। चल अजा भाई, क्या परफॉर्मेंस किस चीज की? अच्छा डांस करेगा, चल भाई देखेंगे डांस देखेंगे। और बेल्ट नहीं लेगा यार तू मेरी? कभी मैं बेल्ट क्यों रात में। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं पुलिस के अंदर, और आज हमारा टेस्ट है माइक्रो का है ना, माइक्रो का भी है उसका, उसका एमएसएन का भी है। कौन सा चैप्टर? एमएसएन का थायराइड पे है, हाइपोथायरायडिज्म, हाइपोथायरायडिज्म, थायराइड कैंसर। हे तो चलो गाइस अभी व्लॉगिंग को करते हैं, मतलब अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी थोड़ा पढ़ेंगे उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके बाय। कल ले गए हम, ये खा लिया मैंने, खा लिया खा लिया। तुम्हें भी चाहिए? दे दे भाई, दे दे इसको, बड़ा ले, राइट अप कर इसके भी। मैं के कमरे में गया एक दिन, हाँ इतनी थोड़ी बदबू आ रही, इतनी थोड़ी बदबू ना, मतलब बाद में उल्टी लग जाए, तो कह चूहा मरा पड़ा। कमरा तेरा भी है? ओए मेरा तेरा ना कमरा, मैं ना तेरे कमरे में, मेरा सब थोड़ी बदबू भाई, इसके कमरे में ना यूं करके जाना पड़ा। और कभी कमरा है मेरा, सांस ले ले लात भी कोई अस्थमा तू पड़ दा, अस्थमा अटैक हो जाए। मैं इसके साथ नहीं हूं, मेरा इसका कमरा एक अलग अलग है। ओए अलग अलग का कमरा, 112 किसका? अलग अलग है, मेरा 111 है। अकेला ना तो तू आए नहीं, आ रहे तो मैं कमरे में बताइए, मैं 111 में हूँ। ठीक है 111 बंटी के पास रहना आज। तो डीडी होने फिर कौन सी? अरे बेटे डीडी होने वाली, अभी से डीडी है। डीडी 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 कौन भैया? अरे दीदी लड़के तो उसकी है नहीं भैया, अपनी दीदी जाने मान आदित्य, आदित्य जाने मान हमारी एक चुनिया के साथ देखो गाइस, देखो बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया होते हैं,
बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया आते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की स्टडी करेंगे हम। देख इसमें 35 बैक्टीरिया दे रहे हैं पर हम 10 ही करेंगे, कुछ बच्चे होते हैं 20 सेकंड में। अगर मेडिकल हैंड वॉशिंग करनी है 30 से 60 सेकंड तक पटल देना है, माइक्रो टेस्ट पे मस्त गेम खेलते हैं, 6 बंदे मार गए, 6 बंदे मारे, तभी भी खेल रहा लग गया मेरे को बचाने के चक्कर में, बाहर आया बोले ने रिकॉल करने और गुड्डी मर गया। चलो कोई ना गाइस, यार पेट में दर्द हो रहा है यार। गाइस हमारा एमएसएन का टेस्ट हो चुका अभी खत्म, और अभी एक और टेस्ट होने वाला है, किसका करो, हां माइक्रो का टेस्ट होने वाला है, बैक्टीरिया का। ओए रुक जा ओए, मार पिटाई नहीं, मार पिटाई नहीं, इसमें नहीं है, इसमें देख, कॉपी दे, ले 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 ले, लिख ले सर, 3-in-1 कॉपी है, देख बच्चों की कॉपी उठा के लाए, इधर देख इंग्लिश मैथ, ओए मैथ यहाँ है, हाँ भाई उठा के लाए, मेरे शरीर में जाएगा रहा है, कॉलेज में जाएगा रहा है, अब हम है अपने कॉलेज से बाहर, तो हॉस्टल कौन से अपने मजा ये है ना, बॉयज का शायद ये होगा ना अगली ये वाला, नो आइडिया, अभी कोई आइडिया नहीं, छो ना कह तो रहे थे टीचर, कह रहे थे कि जो ये सामने वाले हैं ना ये अपने हॉस्टल है, और बाकी उस तरफ शायद गर्ल्स के होंगे, क्या है ना जब ये इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे ना जो आने वाले अभी 2024 में, तो उसके बाद हम ये अलर्ट हो जाएंगे, फिर हम यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, तब तक ये जितना भी दिख रहा है ना आपको अड़ंगा वगैरह ये सब तक, तब तक हो जाएगा ठीक, भाई दिखने में तो सुथरे है बाकी आगे का नहीं पता, एंट्री कहाँ सा भाई, पीछे देखो ज़्यादा ही लंबे है कुछ, वैसे होते नहीं है सरकारी में इतने लंबे हॉस्टल, पर यहाँ है, हाँ ये देख सामने देख रहे हो वहाँ पे ये ओपीडी है हमारी यहाँ की, और ये रहा अपना टाइप सिक्स ना हॉस्टल, लग तो हॉस्टल ही रहा है, हॉस्टल ही है भाई ये इसकी एंट्री है, तो हम आ चुके अंदर, हाँ वो ये लिफ्ट, ओ यहाँ से है, पता नहीं चल रहा कहाँ से क्या चिन्ह वगैरह है, एक हफ्ते पहले टाइल तोड़ दी उन्होंने, ये ले भाई पहुंच गए ऊपर, तो गाइस देख लो यहाँ से स्टार्ट है सब कुछ, नीचे थी पार्किंग, ये रहे अपने रूम, ये रहा एक रूम, ओ सॉरी ये तो लिफ्ट ही है, हाँ ये रहा, ये बाहर जाने लगी हुई अपने रूम के बाहर, ये रहा अंदर लकड़ी का दरवाजा, और ये शायद एक नहीं 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 एक लॉबी है शायद, ये लॉबी है मतलब इसके अंदर 3-4 रूम है, अरे भाई रेसिडेंट एरिया भाई, हो भाई हम गलत घुस गए, अपना हॉस्टल में आए हो, अपना हॉस्टल नहीं है ये, रेसिडेंट एरिया है, जो भी दो डॉक्टर वगैरह यहाँ पर रहेंगे ना तो उनके लिए, यहाँ पे देखो चिमनी लगाई हुई है, और ये रहा एक छोटा सा रूम बाहर, और सामने है टाइप 2A बिल्डिंग, यहाँ पर अपना कैंपस, हाँ और यहाँ पे एक अटैच वॉशरूम, सिस्टम पर नहीं है यहाँ पे कहीं, चलो बाकी ये अच्छे लगा है उन्होंने ये आ गई टाइप 5 रेसिडेंट एरिया। गाइस अभी हमारा लंच टाइम है, तो देखो लंच टाइम में हम यहाँ पे आपको टूर करा रहे हैं अपने हॉस्टल का,
मतलब अभी तक तो हॉस्टल दिखा नहीं है कौन सा है, कोई पर देखते हैं आपको रेजिडेंट एरिया तो दिखा दिया, बाकी अब हॉस्टल देखते हैं शायद ये वाली होगी। ये हो सकती है ताला तोड़ देगा, खुलता रहा था यार ना, ताला को नहीं तोड़ सकते, वो भी होगा शायद सामने वाला ही वाला। चलो गर्ल्स का देख के आते हैं, खुला हुआ है, यो यहाँ तो खुला हुआ है, यो यो हाँ ये शायद मेस है गाइस, ये मेस है, यहाँ पे खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर। हाँ खुला हुआ है, खुला हुआ भाई, चलो 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 चलो। पर अंकल जी ठीक हो? और बताओ ठीक हो? लिफ्ट हाँ ये बंद है लिफ्ट। तो गाइस हम पहुंच चुके गर्ल्स हॉस्टल के अंदर, फिलहाल तो खाली है। ये क्या है, गाइस ये तो कुछ अलग सा ही है, पता भी नहीं चल रहा है क्या, ऊपर से रास्ता होगा ना, अजीब ना होगा, चल जाओ चल खोल ले। यहाँ भी होगा ना, हाँ ये गाइस देखो, ये देखो ये प्रॉपर रूम है, ये शायद वॉशरूम वगैरह है, वॉशरूम है, ये वॉशरूम है, अंदर से निकलता मैं। और ये है रूम, देखो ये रूम है, ये शायद सिंगल बंदे का रूम है, हाँ हाँ सिंगल बंदे का रूम है, इसको खोल के दिखा देते हैं। ये अलमीरा है, अरे नीचे से खोल दे, हाँ ये यहाँ की अलमीरा वगैरह होगी, तो एक कमरे में एक ही बंदा रहेगा, यहाँ पे खिड़की देख लो गाइस, और यहाँ पे दो मिलते हैं प्लग के हुए, और इस तरफ भी दो है, और यहाँ पे एक लाइट का है, देखो बाकी तो सारे सेम ही होंगे, हाँ सेम ही है सभी, इस बस इसके लिए मेरा इस तरफ आ गई। अच्छा दो है इसमें, तो क्या सिस्टम है भाई? अच्छा तो इसमें दो बंदे रहेंगे, हाँ जिसमें दो अलमीरा है ना उसमें दो बंदे रहेंगे, जिसमें एक है उसमें एक ही रहेगा, इसमें देख के इसमें कभी तीन बंदे, हाँ भाई दो बंदे का भाई। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं 5th फ्लोर पे, ये सबसे लास्ट वाला फ्लोर है, बाकी ऊपर यहाँ पे ताला लगा, ताला तो नहीं है, देखते हैं खुल के लगी है, हाँ खुल सकती है। तो गाइस अब हम आ चुके हैं छत के ऊपर, यार धूप बहुत हो रही है यहाँ पे, क्या है आजादी? अच्छा 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 अच्छा, ये हम पहुँच चुके हैं रिहैब सेंटर में, अभी ये भी अभी बन रहा है, वैसे दिखने में तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा सिस्से वगैरह सही लगा रखे हैं, अरे नहीं सिस्से वगैरह सही लगा रखे हैं, मतलब गाइस गाइस ये जब भी बनेगा ना अपना ये पूरा यूनिवर्सिटी बनेगी ना, तो मान लो एक नंबर ही दिखेगी, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में कोई भी हो, पढ़ाई वगैरह में हर चीज़ में, बस एक बार बन जाए यार। हम तो अभी थोड़ा स्ट्रगल कर ही रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बने नहीं है ना, तो कुछ नहीं कह सकते अभी। गाइस एक बार और देख लो जेसीबी, फैन हो जाओगे आप इसके, लाइब्रेरी ब्लॉग, ओए जेसीबी की फोटो ले रहा भाई देखो। तुझे इतनी बड़ी बिल्डिंग ना दिखी उसकी, ले ले जेसीबी की ले रहा है। यार देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, देखा ना लॉक्ड है गाइस ये लॉक्ड, वीडियो बना ले एक बार, कहा
खाली है तो गाइस अंदर काम चल रहा है तो उनसे नहीं जा सकते। पर ये देख लो किचन एंड डाइनिंग ब्लॉक, ये रहा बॉयज हॉस्टल और ये रहा गर्ल्स हॉस्टल, ज्यादा दूर नहीं है, पास पास है, खुश हो जाओ। तो हम वापस लाइब्रेरी में आ चुके हैं। क्या लाइब्रेरी में आ चुके हैं? ठीक है, तो अब हमारा टेस्ट भी खत्म हो चुका है जो माइक्रो का होना था। और ये देखो गाइस लड़के की डाइट सब बच चुके हैं और हमारे पास अभी 1 घंटा है छुट्टी होने पे, तो अभी यहाँ पे सभी फ्री बैठे हुए हैं। देखो सभी छुट्टी हो चुकी है अब हमारी, यहाँ से बैग लेना पड़ेगा। बैग कहाँ है भाई? बैग कहाँ है मेरा यार? बैग कहाँ गया मेरा? कौन से रखा था? ये ना मेरा बैग। अब चलते हैं बस की तरफ। मिल चुकी है बाइक, एक ड्राइवर था हमने उनकी बाइक उठा ली और अब जा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं भाई बताओ? पहले हॉस्टल जाएंगे या और कहीं जाओगे? चलो अब हॉस्टल चलेंगे यहाँ से। तो गाइस अब अपना गुलशन बाबू चलाएगा हैं? और सियापति रामचंद्र की जय। आगे हवन सुत हनुमान की जय। बोले शंकर महाराज की जय। गाइस अभी हमने ले लिए यहाँ से केले और अब हम चलते हैं। गाइस हम आगे अंदर अब हॉस्टल के। अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने रूम में और अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा, थोड़ा सोऊंगा, फिर शाम को देखते हैं क्या करते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, तो बाय। तो गाइस अभी मैं मस्त सोके उठा हूं, तो अभी बज चुके हैं 7, तो 7:30 हमारा होगा रेस्ट टाइम। तो रात का डिनर करके फिर हम करते हैं एडिटिंग और थोड़ा यार थोड़ा काम भी करना पड़ता है हमें पढ़ाई का, नहीं तो फेल हो जाएंगे। इसलिए तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी कर देना भाई। धन्यवाद।